हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यशिता क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आप नहीं जानते कि जीडीपी क्या होता है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। आपने सुना होगा कि कंट्री का जीडीपी इतना घट गया है या फिर इतना बढ़ गया है और आपके मन में सवाल आता होगा कि जीडीपी है क्या। तो चलिए आज हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। किसी भी निर्धारित समय में, जैसे एक साल में, किसी भी देश या आर्थिक व्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद या सेवा को मिला दिया जाए और उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दिया जाए तो उसे ही उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी कहा जाता है। यानी एक साल में जितना भी उस देश में प्रोडक्शन हुआ उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश की जीडीपी तीन चीज़ों से बेसिकली पता चलती है और उसमें से पहली चीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी उद्योग, और तीसरा है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा। इन तीनों फील्ड में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर ही जीडीपी निर्धारित की जाती है। आपको ये भी बता दें कि अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी को एक बहुत बड़ा सूचक कहा गया है। जीडीपी में हम सिर्फ डोमेस्टिक चीज़ें यानी जो हमारे देश में बनी होती हैं उसी को ही इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी चीज़ भारत में बनी है और वो भारत या किसी और देश में जाकर भी बिकती है तो हम उसे भारत की जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली, अगर कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में बनी है और वो अमेरिका और दूसरे देशों में भी बिकती है तो वो अमेरिका की जीडीपी में इंक्लूड होगी। और हाँ, अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है तो सबसे कारगर है कि हम उस देश की जीडीपी जान लें। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो मान लीजिए किसी देश में सिर्फ एक साल में 500 मेज बनती हैं और एक मेज की कीमत 1000 रुपये है तो उस देश की जीडीपी 500000 रुपये होगी। लेकिन आपको ये भी क्लियर कर दें कि जीडीपी नापने का फॉर्मूला होता है, वह है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हेयर सी इज़ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई इज़ इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, जी इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम इज़ नेट एक्सपोर्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई टू कैलकुलेट जीडीपी, हम जीडीपी को क्यों कैलकुलेट करें, तो आइए समझते हैं। बिकॉज जीडीपी की हेल्प से हमें किसी भी देश की इकोनॉमिकल हेल्थ के बारे में पता लग सकता है। जीडीपी एक नंबर होता है जो बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और यह निश्चित समय के लिए बताता है जो कि आम तौर पर एक साल होता है। जीडीपी की मदद से हम दूसरे देशों से कंपैरिजन भी करते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जीडीपी कैसे बढ़ती है। हम यह तब कहेंगे कि किसी भी देश की जीडीपी बढ़ रही है जब हम अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया के निवासी इंडिया में ही बनी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन अगर इंडिया के लोग अमेरिका की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे अमेरिका की जीडीपी बढ़ेगी, ना कि इंडिया की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी लोगों को नॉलेज हो सके कि जीडीपी होता क्या है। मेरे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें जिससे कि उनको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।